यूं तो चुनाव हर 5 सालों बाद आता है, लेकिन हर बार की तरह ही इस बार भी चुनाव रोचक होने वाला है। हरियाणा में चौधरी की लड़ाई ही चलती आई है। अब की बार भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली, और वैसे ही मेहनत विपक्ष भी कर रहा है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी मेहनत 10 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने की है। इसी कड़ी में भाजपा को भी अपार जन समर्थन मिल रहा है। रोहतक खासतौर पर वो सीट है जहां कांटे का मुकाबला हो रहा है भाजपा से अरविंद शर्मा, तो वहीं कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस में भाजपा द्वारा एक बड़ी सेंध लगाई है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले रोहतक में भाजपा की एक अहम बैठक हुई। बैठक का आधार खाप के समर्थन मांगा था। ये मीटिंग ठीक चुनाव से पहले हुई, और वो भी रात के अंधेरे में हुई। मीटिंग में 360 खाप के कई पदाधिकारी मौजूद थे। 360 खाप के प्रधान ने सीएम सैनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी की जमकर तारीफ भी की। खैर, इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।